हमारे इस चैनल में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। और कैसे हैं आप सब? हम भी बढ़िया, अच्छे हैं, मस्त हैं। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं दोस्तों, हमने तकरीबन 1.5-2 साल, हाँ लगभग हो रहा है, छोटा सा प्लांट था। और ये हमारे पहाड़ में जो पत्थर है, पत्थर के बीच में लगा हुआ था, तो हमने इसको लाया और एक छोटे से पॉट में, इसको छोटा सा नहीं, थोड़ा सा बड़ा सा पॉट था, ये रूट डेवलप करने के लिए हमने इसको पॉट में लगाया था, छोटे से गमले में। तो आप देख रहे हैं कि इसका रूट कितना बढ़ चुका है। हम चाहते हैं कि इसको बोनसाई पॉट में आप लगाएं। और आप देख रहे हैं कि हमने साल भर में इसको ट्रिम करके और कार्विंग करके ऐसा रूप दिया है। इसका टेक्सचर आप देख रहे हैं, इसका टेक्सचर कितना ओल्ड लग रहा है। ये देखिए, हमने इसको अभी पानी से साफ किया है, कुछ तो यहाँ पास सड़न सा आ गया है, इसको हम अभी फंगीसाइड लगाएंगे। तो हम चाहते हैं कि इसके लिए जो पॉट रहे यूनिक रहे, हमारे हाथों का बनाया हुआ पॉट में हम इसको लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्लांट भी फाइकस प्रजाति का प्लांट है। नाम तो मुझे भी पता नहीं, आपको अगर पता होगा, आपने अगर ऐसा प्लांट देखा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बोनसाई एक हार्ड प्लांट ही बनता है दोस्तों, जिसमें सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होता हो, वैसा प्लांट ही बोनसाई बन पाता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं इसको बोनसाई बनाने का। तो आप देख रहे हैं ये वाला भाग थोड़ा सा सड़न आ गया है, और ये बाद में पौधे को नुकसान कर सकता है, इसलिए हम इसको काट देंगे। अब हम इसको कटिंग कर रहे हैं, ये देखिएगा, ये पूरा खराब हो चुका था, तो और ये पौधा को डैमेज कर सकता था, इसलिए हमने इसको काट दिया है। अब इसमें हम फंगीसाइड लगा देंगे, हमारे पास सांप का फंगीसाइड है, आप हल्दी या शहद या एलोवेरा भी यूज कर सकते हैं। अब इस सड़न वाले जगह में हम फंगीसाइड लगा रहे हैं, ये इस पौधे को बचा लेगा डैमेज होने से, और बाग डैमेज हो जाता। अच्छा हुआ कि हम सही समय में इस प्लांट को देख लिए, ख़राब हो रहा था नीचे, तो और भी बाग को ये ख़राब कर जाता, इसलिए समय बहुत अच्छा था कि हमने सही उसमें देख लिया। और जहाँ जहाँ हमको लग रहा है कि ये डैमेज हो रहा है, वहाँ हम फंगीसाइड डाल रहे हैं। और सारे जड़ में सॉइल हमने तैयार कर लिया है, बोनसाई का सॉइल बनाने के लिए। हम पिछले वीडियो में भी आप लोग को बता चुके हैं, ये बोनसाई के लिए हमने सॉइल बना लिया है, और इसमें हम राइस हस्कर और कोकोपीट नहीं डाले हैं दोस्तों। कुछ कुछ बोनसाई में हम राइस हस्कर और कोकोपीट का यूज़ नहीं करते हैं, जिस बोनसाई को पानी की बहुत ही कम जरूरत पड़ता है उसमें हम कोकोपीट और राइस हस्कर नहीं डालते हैं, बाकी बोनसाई में हम थोड़ा बहुत कोकोपीट और राइस को डाल देते हैं। इसमें नॉर्मल मिट्टी है और रेत है, नदी का रेत, और ईंट के छोटे टुकड़े हैं, और वर्मी कंपोस्ट है दोस्तों, इतना सारा चीज़ है। और साथ में हम नीम केक पाउडर और फंगीसाइड तो डालते ही हैं, और बोन मिल और फंगीसाइड मिट्टी में मिक्स है। फंगीसाइड हम पूरी तरीके से जहाँ जहाँ डैमेज हो चुका था वहाँ हमने डाल लिया है, और कुछ देर हम इसको ऐसे छोड़ देंगे सूखने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम इस बोनसाई को ये वाले पॉट में लगाएंगे। इस पॉट को हमने अपने हाथों से बनाया है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं दोस्तों कि पत्थर का पॉट कैसे बनाते हैं, पत्थर स्टाइल का। और ये हम सीमेंट से बनाए हैं और इसमें हम लगाएंगे। तो जब भी आप पॉट खरीदें या बनाएं दोस्तों, तो पर्याप्त होने चाहिए। इसको बनाते टाइम हम सारे चीज़ दिखाए हैं इसमें, देखिएगा। जब भी आप पत्थर को जब खुदाई करते हैं तो ये टूट जाता है कुछ हिस्सा, उसको हमने दिखाया है, प्लस काटते टाइम कुछ बनता है टेक्सचर, वो भी हमने दिखाया, पूरा कोशिश किया है दोस्तों पत्थर में जैसा होता है। तो देखिएगा हम कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं इसमें।
तो दोस्तों हम कुछ देर रखने के बाद हम इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी डाल लिए हैं। सॉइल हमने तैयार कर लिया था, रिपोर्ट कर लिए हैं और अब वक्त आ चुका है इसका ट्रिमिंग का। अभी हम देख रहे हैं दोस्तों कि इसमें ट्रिम करने की ज़रूरत है कि नहीं। हम ये इसके बड़े बड़े पत्ते को हटा देंगे दोस्तों। जब हम हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो इस प्लांट को एनर्जी की बहुत ज़रूरत होता है। छोटे पत्ते रहेंगे तो ग्रोथ जल्दी करेगा दोस्तों, सर्वाइव जल्द अच्छा से करेगा ये। तो आप देख रहे हैं दोस्तों हमारा बोनसाई कितना अच्छा दिख रहा है। अब फ्रेंड्स बड़े बड़े पत्ते को हम हटा रहे हैं। जिससे ये सर्वाइव जल्दी करेगा। That's it.